नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारत लाइव है और भारत लाइव में आप जानते हैं कि हम उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं जिन खबरों से आपका सीधा सरोकार है। ऐसी ही खबर हमारे पास आई है। हमने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले हमने कहा था कि आखिर लालू प्रसाद नीतीश कुमार को छोड़ करके क्यों गए हैं। इस मीटिंग में लालू प्रसाद के पहले जाने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हैं जो अब होनी है, वो बातें अब शुरू भी हो गई हैं। चर्चा इस बात की हो रही थी, नीतीश कुमार ने कहा था कि अभी कई दल और जुड़ेंगे हमारे इस इंडिया गठबंधन से। इसी बात को लेकर के, मायावती को लेकर के कहा जा रहा था कि मायावती भी देर सवेर आ जाएंगी। आज लालू प्रसाद जब इस पूरे मुद्दे पर उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बहुत सारी बातें स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में क्या कुछ फाइनल होना है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात सामने आई और वो है कि इस इंडिया गठबंधन को एक बड़ा बम फोड़ करके लालू प्रसाद ने पूरी तरह से पैकअप कर दिया है। लालू प्रसाद ऐसा लग रहा है कि इस गठबंधन के सुपर बॉस हैं, क्योंकि समय समय पर जो बयान आ रहे हैं वो और किसी से नहीं बल्कि लालू प्रसाद ही ऐसे बयान दे रहे हैं। चाहे वो संयोजक बनाने की बात हो या संयोजक की संख्या बढ़ाने की बात हो, चाहे वो लालू प्रसाद का ये कहना हो कि राहुल गांधी दुल्हा होंगे, या फिर दिल्ली से बाहर जो बातें चल रही हैं, या दिल्ली गए तो वहाँ भी आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और उसके बाद से कई चर्चाएं शुरू हो गई। ये सारी बातें लालू प्रसाद के इर्द गिर्द ही घूम रही है और इस गठबंधन का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो भी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात थी, वहीं लालू प्रसाद ने इस खेल को ही भंडोल कर दिया कि नीतीश कुमार अकेले संयोजक नहीं होंगे बल्कि कई संयोजक होंगे। अब इस बात को लेकर के जब चर्चाएं चल ही रही हैं, उसी बीच में मायावती ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। मायावती को लेकर के ये कहा जा रहा था कि देर सवेर मायावती आएंगी, लेकिन मायावती ने जो ट्वीट किया है हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा है कि एनडीए व इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वाले पार्टियाँ हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसलिए इनसे गठबंधन करने का, चुनाव लड़ने का किसी भी तरह का इनके साथ सवाल ही पैदा नहीं होता है। अतः मीडिया से अपील है, नो फेक न्यूज़ प्लीज़। आप समझिएगा, उन्होंने कहा है मीडिया को कि नो फेक न्यूज़ प्लीज़। इतना ही पर नहीं रुकी है, उन्होंने आगे कहा है कि बीएसपी विरोधियों के जुगाड़ तोड़ जोड़ तोड़ से ज़्यादा समाज के टूटे बिखरे हुए करोड़ों उपेक्षित को आपसी भाईचारा के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से सन 2007 की तरह अकेले आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और चार राज्यों में विधानसभा का आम चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा है कि मीडिया बार बार भ्रांतियां फैला रही है और ऐसी भ्रांतियां न फैलाई जाए। उन्होंने कहा है कि बीएसपी से गठबंधन के लिए यहां सभी आतुर हैं, किंतु ऐसा न करने पर विपक्षी द्वारा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाते हैं। इनसे मिल जाएं तो सेकुलर, न मिलें तो भाजपाई, यह घोर अनुचित तथा अंगूर मिल जाए तो ठीक वरना अंगूर खट्टे हैं कि वाली कहावत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि मायावती ने यह बात कही है, इससे पहले हम आपको ये भी बताएंगे कि लालू प्रसाद ने क्या कहा है मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर। आगे मायावती ने कहा है कि इसके अलावा बीएसपी से निकाले जाने पर सहारनपुर के पूर्व विधायक कांग्रेस व उस पार्टी के शीर्ष नेताओं की प्रशंसा में व्यस्त हैं, जिससे लोगों में यह सवाल स्वाभाविक है कि उन्होंने पहले यह पार्टी छोड़ी क्यों और फिर दूसरी पार्टी में गए क्यों। इस बात को लेकर के जहां एक तरफ मायावती अपनी बातें रख रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने इस पूरे मामले पर जब पूछा गया कि मायावती आ रही हैं तो उन्होंने कहा कि उन्हें बुलाया कौन है। इस बात के साथ साथ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं एक बात और बड़ा महत्वपूर्ण है और वो बात है कि मायावती अब तक जिस तरह से नीतीश कुमार के बारे में हम कहते हैं कि अब तक उनका रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने 16% वोटों पर जरा भी टस से मस नहीं हुए हैं, वहीं मायावती ने पिछले चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी से किया था। मायावती अपने दम पर वहाँ अपने वोट बैंक को बचाने में माहिर मानी जाती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। लालू प्रसाद ने भी स्पष्ट कर दिया, अभी तक किसी ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन लालू प्रसाद ने ये साफ कर दिया कि मायावती को हमने निमंत्रण नहीं दिया है, हमने उनको बुलाया ही नहीं है
और मायावती ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक खेल यहाँ से और शुरू हुआ और लालू प्रसाद ने सुपर बॉस की तरह यह फैसला अकेले कर दिया कि मायावती उनके साथ नहीं आ रही हैं। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ही इस इंडिया गठबंधन के सुपर बॉस हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, हमारी पूरी नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर है कि इंडिया गठबंधन में क्या कुछ हो रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।